Everyone, so इस लेक्चर में विल बी लुकिंग एट बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस. तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का जो मेथड है वो स्लाइटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है रिएक्शंस को बैलेंस करने का. सो इसलिए हम इसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं. तो पहले एक सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं. मतलब नॉर्मली कभी उतना सिंपल रिएक्शन नहीं दिया जाएगा टू बैलेंस, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के. सो लेट मी राइट अ वेरी सिंपल रिएक्शन. लेट्स से वी हैव एल्यूमिनियम plus copper 2 plus gives aluminium plus 3 plus copper. तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. तो इसको बैलेंस करना है. तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमको एक बेसिक चीज फिगर आउट करनी है जो हमने पढ़ रखी है कि रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, और वो हमको कैसे पता लगेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से. अगेन ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. इसमें एलिमेंट्स दे रखे एज आयंस और फ्री. तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको सीधे दिख रहा है तो वो लिख लेते हैं. जीरो प्लस टू प्लस थ्री एंड जीरो. तो अभी अगर हम इस पर फोकस करें तो क्लियरली हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये जो है ये ऑक्सीडेशन है. ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. और सिमिलरली हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये जो है ये रिडक्शन है. तो इन दिस रिएक्शन वी हैव आइडेंटिफाइड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग. नाउ रिडॉक्स रिएक्शन जो है फंडामेंटली रिडॉक्स रिएक्शन इज अबाउट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. जिसको हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ नहीं होता. दिस इज जस्ट एक्सचेंज, राइट, दिस इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो भी चीज ऑक्सीडाइज होती है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्लस थ्री से गया उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, और जो भी चीज रिड्यूस हो रही है उसने जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा. तो मतलब अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं ऐसे, मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि एल्यूमिनियम जो है वो जीरो से गया है प्लस थ्री तक. ठीक है, जीरो से प्लस थ्री तक तो तभी जाएगा ना जब वो तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, राइट. इट विल लूज थ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओनली व्हेन समथिंग लूजेस थ्री इलेक्ट्रॉन्स इट कैन इंक्रीज इट्स चार्ज बाय प्लस थ्री. आई होप दिस इज क्लियर. तो अगली चीज देख लेते हैं विद रिगार्ड टू कॉपर. क्लियरली दिख रहा है कॉपर जो है वो प्लस टू पे है. वो प्लस टू से कहां जा रहा है, जीरो पे जा रहा है. तो कोई भी चीज प्लस टू से जीरो तब जाएगी, उसका चार्ज दो यूनिट से कम तब होगा जब दो नेगेटिव चार्जेस मतलब दो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएंगे. तो फंडामेंटली ये हो रहा है, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन का गेन है. ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन है, इसकी रिडक्शन है. नाउ द कॉन्सेप्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो हमने रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम ये कह रहे हैं कि ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन इसीलिए लूज कर पा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. एंड सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए गेन कर पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो यहां से आ रहा है और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो इसमें जा रहा है. सो अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड, अगर हमको लग रहा है उसका सब सोर्स वो एक ही प्रोसेस है, मतलब एक सिंपल प्रोसेस ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं. सो जितने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा. ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, विच इज इम्पॉसिबल. अगर ये एक्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दिस हैज टू गेन एक्स इलेक्ट्रॉन. लेकिन अभी जो हमको दिख रहा है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. अगर जीरो से प्लस थ्री जाना है तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस टू से जीरो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन गलत लिखी है मैंने, ऐसा नहीं हो सकता. दूसरा एक कुछ और चल रहा है. तो पहली बात ये रिएक्शन गलत नहीं है, रिएक्शन एकदम सही है. तो अब देख लेते हैं कि करना कैसे इसको. बिकॉज हमारा फंडामेंटल क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन शुड बी सेम, तो हम कह देंगे एल्यूमिनियम जो है वो एक बार रिएक्ट नहीं करेगा, वो दो बार रिएक्ट करेगा. एल्यूमिनियम का एक एटम ऑक्सीडाइज नहीं होगा, दो एटम ऑक्सीडाइज होंगे. तो दिस विल मेक द टोटल इलेक्ट्रॉन्स एज सिक्स, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. और इसमें हम कह देंगे कि कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, वो छह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. कैसे, बाय रिड्यूसिंग थ्री टाइम्स. तो ये अभी जो है छह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इफेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है एक एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, दो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुए. एक एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज करने में तो तीन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, तो दो में कितने हैं, छह. सिमिलरली हम कह रहे हैं एक कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है, तीन कॉपर रिड्यूस हुए. तो उस चक्कर में क्या हो गया, तीन कॉपर के रिड्यूस होने के चक्कर में कॉपर को छह इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे. तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है. अभी अगर हम इस रिएक्शन में देखें, यहां दो एल्यूमिनियम है, यहां दो एल्यूमिनियम है, मास भी बैलेंस होना चाहिए. यहां तीन कॉपर है, यहां तीन कॉपर है. सो हाउ यू फिगर आउट कि आपने इलेक्ट्रॉन सही से बैलेंस किया है, यू जस्ट कैलकुलेट चार्ज. लेफ्ट साइड पर टोटल चार्ज कितना है, इसका चार्ज तो जीरो है. ठीक है, यहां अलग से लिख देते हैं. लेफ्ट साइड पर जो टोटल चार्ज है इसका चार्ज जीरो है. थ्री इंटू प्लस टू, इसका चार्ज सिक्स है. तो लेफ्ट साइड पर टोटल चार्जेस प्लस सिक्स. राइट साइड पे चार्ज कितना है, टू इंटू प्लस थ्री इज प्लस सिक्स, कॉपर इज जीरो.
तो इस साइड पे भी चार्ज जो है वो प्लस सिक्स आ रहा है टोटल, राइट? सो मतलब ये आपस में बराबर हो गया. सो इन एडिशन टू बैलेंसिंग मास, ये चीज हमको बैलेंस करनी है, चार्ज. और वो कैसे बैलेंस होता है? बाय लुकिंग एट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगली कुछ एग्जांपल्स में हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड सवाल देख लेते हैं, पर ये ध्यान हमने रखना है, सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, ये फंडामेंटल ट्रूथ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? तो आगे देख लेते हैं. सो लेट्स लुक एट मोर क्वेश्चंस. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस सेव करे थे इसमें पहले से, तो इनको देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन इसको मान लेते हैं. सो अगर इसका प्रिंट काफी स्मॉल है तो मैं बता देता हूँ. दिस इज Cr(O)4-2 प्लस आयोडीन माइनस वन गिव Cr+3 प्लस IO3-1, ठीक है? तो ये चल रहा है. तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, कि अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, सो दिस वुड इफेक्टिवली बिकम Cr(O)4-2 प्लस I माइनस गिव्स Cr+3 प्लस IO3-1, ठीक है? इसको एकदम बड़े प्रिंट में मैंने लिख लिया ताकि इट इज क्लियर टू एवरीवन. तो पहली चीज सेम, विल आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज रिड्यूस्ड, ठीक है? तो देख लेते हैं, उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखना. अब ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, यूजिंग दोज एलिमेंट जिनके बारे में पता है. ऑक्सीजन के बारे में पता है -2 है, तो ओवरऑल कितना हो गया? -8, ठीक है? ये अगर -8 हो गया, यहां -2 दिखना चाहिए, तो ये हो गया +6, ठीक है? ऑक्सीजन पे उतना फोकस नहीं करना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो पूरा टाइम -2 ही रहेगी, तो वो ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है. सिर्फ उस पे फोकस करते हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है. आयोडीन की बात कर लेते हैं. आयोडीन तो इंडिपेंडेंट है, माइनस दिख रहा है तो सिंपली -1, यहां भी प्रॉब्लम नहीं है. क्रोमियम +3 है, तो ये तो दिख गया हमको, ठीक है? ये आई होप दिख गया हो कि ये रिडक्शन है. तो अगर हम लॉजिक लगाएं तो हमको ऑलरेडी पता है कि आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट? बिकॉज एक चीज की रिडक्शन होती है, एक की ऑक्सीडेशन. सो आयोडीन -1 है, देखो ये कितना है, ये -6 है, माइनस तो यहाँ बचा हुआ है, तो दैट मीन्स आयोडीन कैन ओनली प्रोवाइड अ चार्ज ऑफ +5, ठीक है? तो मतलब ये -1 से +5 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन है. इलेक्ट्रॉन्स अगर देख ले, -1 से +5 जो भी चीज जाएगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? और इसको अगर हम देख लें, कोई भी चीज +6 से +3 जाएगी तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं 3 और 6 का एलसीएम, मतलब 3 और 6 तो बराबर नहीं है. तो 3 और 6 का एलसीएम क्या है? 3 और 6 का एलसीएम है 6, मतलब 3 × 2 = 6 होता है. मतलब ये रिएक्शन एक ही बार हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ 1 और 1 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते. और ये रिएक्शन को 6 होने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन्स को 6 होने के लिए यहाँ 2 आ जाएगा. तो अगर यहाँ 2 आ गया तो यू विल पुट अ 2 हेयर एंड यू विल पुट अ 2 हेयर. तो फंडामेंटली दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, राइट? तो इसमें अगर आप देखोगे, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे बैलेंस कर लिया. लेकिन इस रिएक्शन में, और जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें फर्क ये है कि उस रिएक्शन में सिर्फ वो आयंस थे जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को भी देखना पड़ेगा, राइट? तो ऑक्सीजन को अगर हम देखें, लेफ्ट साइड पे कितना ऑक्सीजन है? लेफ्ट साइड पे 8 ऑक्सीजन है. राइट साइड पे कितना ऑक्सीजन है? राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, राइट? तो हमारे पास यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है? मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, 80 और 30 लग रहा है. और यहाँ हमारे पास 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 5 ऑक्सीजन हमको और चाहिए. तो अब इसको बैलेंस करने का आप थोड़ा यूनिक तरीका है. तो पहली बात, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, एनी रिडॉक्स रिएक्शन, वो यूजुअली सोल्यूशन फेज में ही होती है, ठीक है? मतलब लिक्विड्स लिक्विड स्टेट में होती है, ये वाटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है? एज अ वाटर सॉल्वेंट होगा और उसमें रिएक्शन हो रही होगी. तो जब भी सोल्यूशन होता है ना, ब्रॉडली स्पीकिंग कोई भी सोल्यूशन या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है. तो हमको पता होना चाहिए एसिडिक में या बेसिक में, पता है? एज इन हमको क्वेश्चन में बता रखा होगा कि ये रिएक्शन एसिड मीडियम में हो रही है या ये रिएक्शन बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में हो रही है. तो जिस मीडियम में हो रही है उस हिसाब से बैलेंस करना है. देखो, एसिडिक मीडियम का मतलब ये है, पहली बात ये सोल्यूशन है तो इसमें वाटर है. एसिडिक मीडियम का मतलब हमारे पास एच प्लस है. बेसिक मीडियम का मतलब यह है कि वाटर तो है ही है, इन एडिशन टू दैट हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अज्यूम कर लेते हैं ये एसिडिक मीडियम का सवाल है, ठीक है? लेट्स अज्यूम दैट. तो यूजिंग एसिडिक मीडियम वी नीड टू बैलेंस दिस ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम. सो वी ओनली हैव दिस, देखो यहाँ 8 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है. कितने ऑक्सीजन चाहिए हमको? 5 ऑक्सीजन चाहिए, राइट? सो 5 ऑक्सीजन अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे 5H2O, बिकॉज एच प्लस के पास तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ 5 ऑक्सीजन आ गया. अब राइट साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 8.
राइट, लेफ्ट साइड पे भी 8 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हमने यहाँ 10 हाइड्रोजन और ऐड कर दिए थे, तो 10 हाइड्रोजन के लिए आई विल जस्ट से 10H+. आई होप दिस इज क्लियर. अभी अगर हम इसको देखें, एक मिनट लेट मी एडजस्ट माई माइक. अभी हम इसको अगर देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 10 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे भी 10 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन अगर देखें, यहाँ 8 ऑक्सीजन है और यहाँ भी हमारे पास 8 ऑक्सीजन है. राइट, सो नाउ दिस इज बैलेंस, ओवरऑल दिस रिएक्शन इज बैलेंस. अगर मैं इसको फिर से लिखूं, नाउ दिस रिएक्शन इज 10H+ प्लस ट्वाइस ऑफ CrO4-2 प्लस I- gives twice of Cr+3 plus IO3- plus 5H2O. अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में सब बैलेंस है. देखो हाइड्रोजन स्टार्ट करते हैं, यहां कितने हैं 10, यहां कितने हैं 10, क्रोमियम कितने हैं 2 और यहां भी 2 है, ऑक्सीजन 8 है, यहां 3+5 8 है, आयोडीन एक है. चार्ज भी देख लेते हैं. देखो लेफ्ट साइड पे जो टोटल चार्ज है वो है +10 -4 -1, कितना हो गया 5. राइट साइड पे अगर चार्ज देखें, टोटल चार्ज है +6 -1, वो भी कितना है 5. तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है. ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ बैलेंसिंग दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम. बेसिक मीडियम में भी देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स में. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल में भी एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है. तो पहले तो इसका स्टेप वन देख लेते हैं कि हमने इसको ना इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करें कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है. तो मैं रिएक्शन ऐसे लिख देता हूँ, CuS+NO3-1 गिव्स Cu+2 प्लस S8+NO. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप, लेट्स राइट डाउन दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Cu+S, अब ये कॉपर सल्फाइड है. जब भी सल्फर ऐसे किसी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा, इट इज अ सल्फाइड जस्ट लाइक ऑक्साइड. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम याद रखेंगे एज अ रिजल्ट, एज अ सल्फाइड दिस इज ऑलवेज -2. तो ये क्या हो गया +2. नाइट्राइट में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बारे में तुमको पता है -6 है. तो अगर ये टोटल मतलब -2 × 3, अगर ये टोटल -6 है, -1 यहाँ बच रहा है, तो ये क्या हो गया +5. ठीक है, यहां तो दिख रहा है कॉपर +2. तो यहां देख लेते हैं, कॉपर शुरू में ही +2 था, बाद में ही +2 है. तो मतलब कॉपर जो है वो इस रिएक्शन में एज अ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका कोई रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. S8 में क्या है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है पर एक ही एलिमेंट है. तो हमने इसमें डिस्कस करा था कि जो भी ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एक ही टाइप का एलिमेंट होता है, उसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है. NO में ऑक्सीजन -2 है, तो नाइट्रोजन +2 है. अब एक बार हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है. सल्फाइड जो है या सल्फर जो है वो -2 से 0 जा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. राइट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. और ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन है, -2 से 0. रिडक्शन अगर देख लें, रिडक्शन नाइट्रोजन की हो रही है. नाइट्रोजन जो है वो +5 से जा रहा है +2 तक. राइट, सो दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज अ रिडक्शन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया रिडक्शन 3 इलेक्ट्रॉन की है, ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन की है. अब इसको हम समझते हैं, राइट, कि इसको बैलेंस कैसे करना है. पहली चीज इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा डिफरेंटली दी गई है, वो ये दी गई है कि अगर हम इन पे फोकस करें जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, सल्फर पे फोकस करें, सल्फर -2 से 0 जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां एक सल्फर है और यहां जो है 8 सल्फर है, विच इज इम्पॉसिबल. राइट, एक सल्फर कैनॉट बी क्रिएटेड इनटू 8 सल्फर्स. सो जितना सल्फर एक साइड पे, उतना मास तो कंजर्व करना पड़ेगा, उतना दूसरी साइड भी होना चाहिए. तो अगर यहां 8 सल्फर है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको बिफोर स्टार्टिंग टू बैलेंस दिस, मैं यहां 8 लिख दूंगा. मतलब ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाद में, लेकिन एक चीज तो इंश्योर कर लेते हैं कि सल्फर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जितने एटम उसके लेफ्ट साइड में उतने राइट साइड में भी. सो 8 सल्फर -2 से 0 जा रहे हैं. ठीक है, एक सल्फर नहीं है, 8 सल्फर्स आर गोइंग फ्रॉम -2 to 0. सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन इज 16. राइट, बिकॉज 8 सल्फर एटम्स रिक्वायर्ड, 8 सल्फर आयन्स रिक्वायर्ड 16 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन आर 16, द टोटल इन रिडक्शन आर 3. So let's look at this. Now the next step would be to apply that principle
कि फंडामेंटली द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नीड टू बी सेम. सो 3 और 16 का एलसीएम है 48, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो यहां आ जाएगा 16 इधर, 16 इधर. इसको 48 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो यहां 3 आ जाएगा और यहां 8 ऑलरेडी है, तो 3 × 8 आ जाएगा, राइट. सो फाइनली जो रिएक्शन है दैट इज 24 CuS प्लस 16 NO3 माइनस 1, ठीक है, NO3 है, गिव्स Cu प्लस 2 प्लस 3S8 प्लस 16 NO. सो अब हम बैलेंस करेंगे उन चीजों को जो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हुई, विच इज प्राइमरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन तो दिख रहा है यहाँ, बट इन एडिशन टू दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एडिशन में कॉपर भी है. कितना कॉपर है? 24. यहाँ कितना? 1. तो यहाँ 24 लिख दो ताकि कॉपर भी बैलेंस हो जाए, ठीक है. अब ऑक्सीजन देख लेते हैं. 16 × 3 = 48 ऑक्सीजन, एट 48 ऑक्सीजन. यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ 16 ऑक्सीजन. तो यहाँ 32 ऑक्सीजन चाहिए. तो अगेन अज्यूम कर लेते हैं एसिडिक मीडियम है, ठीक है. लेट्स अज्यूम वी आर टॉकिंग ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है. तो 32 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ लिख दो 32H2O. 16 और 32 48 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हमने इस चक्कर में 64 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो यहाँ लिख दो 64H+. तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई. एज अ लास्ट स्टेप ऑलवेज चेक चार्ज. अगर आपका चार्ज सही आ रहा है तो मतलब आपने सही से बैलेंस किया होगा अभी तक. तो टोटल चार्ज देख लेते हैं. प्लस 64 माइनस 16 वो होता है प्लस 48. लेफ्ट साइड पे चार्ज है प्लस 48, राइट साइड पे ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है. 24 × 2 = 48 प्लस 48. सो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो चार्ज है वो एकदम सेम है, तो मतलब हमने इस रिएक्शन को सही से बैलेंस किया. बाकी सब तो सही होगा ही, वो तो शुरू से इंश्योर कराते आ रहे, ठीक है. तो दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल. तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं. सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको जल्दी से देखते हैं. सो NO3 - 1 प्लस जिंक गिव Zn+2 प्लस NH4+1, ठीक है. तो इसमें मैं यही लिख लेता हूँ, या एक काम करता हूँ फिर से लिख ही लेता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैलेंसिंग मेरी रिएक्शन में ही हो जाती है. सो लेट्स राइट NO3 - 1 प्लस जिंक गिव्स Zn+2 प्लस NH4+1, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस. तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. ये NO3 है तो ये -6 है, -1 बचना चाहिए, सो दिस इज +5. ये जिंक है, इंडिपेंडेंटली फ्री प्रेजेंट है, तो 0 से जिंक हो गया +2. यही लिख देते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन जो है 2 इलेक्ट्रॉन की हो गई, ठीक है. NH4 प्लस में देखें हाइड्रोजन +1 होता है, +4 हो गया टोटल, यहाँ +1 बचना चाहिए, तो दिस हैज टू बी -3. तो इसमें रिडक्शन हो गई, ठीक है. दिस इज रिडक्शन, और इस रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? +5 से -3 जाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे. तो 2 और 8 का एलसीएम तो 8 होता है, राइट. सो दैट मीन्स इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं × 4 कर दूंगा ताकि इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. तो इसको × 4 कर दिया, तो यहां 4 आ गया और यहां 4 आ गया, ठीक है. तो फंडामेंटली रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ठीक है. यहां 3 ऑक्सीजन है और यहां कोई ऑक्सीजन है नहीं. पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं. तो यहां 3 ऑक्सीजन है, तो हमको यहां क्या ऐड करना पड़ेगा? 3H2O. तो हमने 3H2O ऐड कर दिया. अभी यहां भी 3 ऑक्सीजन, यहां भी 3 ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन देख लेते हैं. यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, और यहां कितना हाइड्रोजन है? 4 इसमें है और 6 हमने ऐड कर दिया, 10 हाइड्रोजन है. तो मतलब यहां अलग से हमको क्या ऐड करना पड़ जाएगा? +10H+. ठीक है. सो हमारी जो फाइनल रिएक्शन है दैट इज 10H+ प्लस NO3- प्लस 4Zn गिव्स 4Zn+2 प्लस NH4+ प्लस 3H2. जस्ट अ चेक, यू कैन चेक योर टोटल चार्ज. अगर वो सही आ रहा है तो हमने सही से किया. +10 - 1 टोटल चार्ज ऑन द राइट साइड इज +9. 4 × 2 = +8 +1 + 9 दिस इज न्यूट्रल, सो दिस इज +9. सो हमने इसको सही से किया, ठीक है. तो अगर आपको ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. इफ इट्स नॉट क्लियर आप एक बार इसको फिर से रिवाइंड कर लीजिए. तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस.
ClO3 minus plus I2 gives IO3 minus plus Cl minus. So again, first things first, I'll write down the reaction. ClO3 minus. I would suggest इसको आप लोग pause कर लें और खुद से ही try करें. एक बार आपसे हो जाता है तो अगर आपको समझ आ गया तो इसका explanation देखने का कोई point नहीं है. Similar question नहीं है, कुछ different नहीं है इसमें. You can just forward 30-40 seconds और आपको answer दिख जाएगा. तो इसमें भी पहले oxidation state से start करते हैं. -6, -1 बच गया, तो this is +5. This is only iodine, so 0. -6, -1 बच गया, so this is +5. Cl तो लिखा हुआ है minus, तो -1. So chlorine is getting reduced. ठीक है, this is reduction. Reduction from +5 to -1, so this involves a reduction of 6 electrons. ठीक है, let's look at iodine. Iodine is going from 0 to +5. Now similar to जो हमने sulfur वाला question देखा था, जिसमें S8 था, left side पे दो iodine है, right side पे एक ही iodine है. तो पहली बात, iodine बराबर होना चाहिए दोनों side, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ. ठीक है, अब iodine बराबर हो गया. आयोडीन 0 से +5 जा रहा है, लेकिन दोनों आयोडीन या दो आयोडीन 0 से +5 जा रहे हैं. तो जो ऑक्सीडेशन है वो 5 इलेक्ट्रॉन की नहीं है, ऑक्सीडेशन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन की है. ठीक है, तो 10 हमने समझना है, 0 टू 5 5 * 2 2 यहां से आ रहा है. ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है. सो रिडक्शन 6 इलेक्ट्रॉन की है, ऑक्सीडेशन 10 इलेक्ट्रॉन की है. 6 और 10 का एलसीएम आई होप सबको पता है 30 होता है. तो इसको * 3 कर देते हैं. इसको 3 करोगे तो यहां 3 आ जाएगा और यहां 3 * 2 आ जाएगा. ठीक है, उसको मैं फिर से लिख दूंगा नीचे. सो दिस इज 3 * 2 और उसको अगर आप * 3 करोगे, इसको 30 बनाने के लिए * 5 करना पड़ेगा. सो यहां 5 आ गया और यहां 5 आ गया. सो दिस इज 5 ClO3 - 3 I2 + 6. ठीक है, दिस इज 6 IO3 - + 5 Cl-. एक काम करते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं बिकॉज IO3 माइनस का कोएफिशिएंट इज नॉट क्लियर. +3 I2 gives 6 IO3 minus. तो सबसे important part हमने कर लिया इसका, balancing this reaction. Last step होता है hydrogen oxygen based on acidic basic medium. Again let's assume acidic medium. Basic हम end में देख लेंगे कैसे होता है. तो अगर oxygen देखें तो यहाँ 15 oxygen है और यहाँ अगर oxygen देखें 6 * 3 यहाँ 18 oxygen है. 3 oxygen हमको चाहिए left side पे. So अगर हमको left side पे 3 oxygen चाहिए, so I will add 3H2O. तो मैंने 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन ऐड कर दिया. अभी 18 18 ऑक्सीजन हो गए. जो 6 हाइड्रोजन यहां ऐड हुए उसको कैंसिल आउट करने के लिए 6H+. ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. लेट्स कैलकुलेट द चार्ज. -5 इज द चार्ज ऑन दिस साइड. -6 + 6 0 एंड -5. ठीक है, तो दिस आल्सो सीम्स टू बी बैलेंस्ड. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is this, As2S3 plus NO3 minus gives sulfur NO2SO4 - 3. पहली बात, अगेन मेटल के साथ आर्सेनिक के साथ सल्फर है, दिस इज सल्फाइड, राइट, -2 है. सो फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, लेट मी राइट डाउन द एंटायर रिएक्शन. As2S3 plus NO3 minus gives S plus NO2 plus ASO4 - 3. Let's write down oxidation state of everything other than oxygen. तो sulfide यहाँ क्या है? -2, right? Sulfide is always -2. -2 * 3 is -6. This should be +6. तो per arsenic this is +3. Again, अगर ये confusing है, go back to that lecture जहाँ oxidation state लिखना बताया था. So let's look at this. This is -6. -1 यहाँ बच गया. तो ये +5 होना चाहिए. This is sulfur independent, 0. Nitrogen with 2 oxygen, -4 + 4. ASO4, O4 is -8, -3 बच गया, so this is +5. ठीक है, so these are oxidation states. So now if I try to write what is getting oxidized and what is getting reduced, see arsenic for sure, ठीक है, ये तो clear cut oxidation है. ठीक है, this is oxidation. ओके, सल्फर -2 से 0 जा रहा है, सो सरप्राइजिंगली देयर इज दिस एज वेल, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन. ठीक है, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन. एंड लेट्स लुक एट द रिडक्शन पार्ट. तो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, ठीक है, लेट्स लुक एट द रिडक्शन. रिडक्शन नाइट्रोजन की हो रही है. नाइट्रोजन इज गोइंग फ्रॉम
plus 5 to plus 4. So this is reduction. Okay. So now let's look at the total electrons involved in oxidation and the electrons involved in reduction. So this is a different question. ऐसा पहली बार एक क्वेश्चन आया जिसमें दो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और एक एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है. ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है. फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन शुड बी द सेम. रिडक्शन देख लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लस फाइव से प्लस फोर जा रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट. देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, नथिंग मोर नथिंग लेस. इसको देख लेते हैं, ए एस प्लस थ्री प्लस फाइव. तो पहले ए एस को एड्रेस कर लेते हैं. ए एस जो है वो यहाँ दो है, तो यहाँ भी दो होना चाहिए. प्लस थ्री से प्लस फाइव रहेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो है वो दो है, लेकिन दो एटम्स है, तो दो एटम्स जब है सो दैट वुड बी टू इनटू द टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, दैट इज फोर इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर भी कहीं से कहीं तो जा रहा है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली सल्फर यहाँ तीन है, यहाँ एक है, तो इसको थ्री कर देते हैं. अब सल्फर देख लेते हैं, माइनस टू से जीरो जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन तीन सल्फर जब माइनस टू से जीरो जाएंगे तो दैट वुड बी थ्री इंटू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज सिक्स इलेक्ट्रॉन. तो क्यूमुलेटिवली अगर मैं ऑक्सीडेशन पे फोकस करूं, इफ आई फोकस ऑन ऑक्सीडेशन, क्यूमुलेटिवली टोटल इलेक्ट्रॉन टेन है, तो रिडक्शन में भी टोटल इलेक्ट्रॉन दस होने चाहिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टेन से. इसको कुछ करना नहीं है, मतलब इसको वन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये दस इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो यहाँ भी दस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ टेन आ गया और यहाँ भी 10 आ गया. तो जो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर इज ए एस टू एस थ्री एज इट इज प्लस 10 एन ओ थ्री माइनस प्लस 3 सल्फर प्लस 10 एन ओ टू प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस ओ फोर माइनस 3. ठीक है, सो ये हमने देख लिया. तो फंडामेंटली दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन, इसमें सब बराबर है. ए एस दो है, यहाँ भी दो है, सल्फर तीन है, यहाँ भी तीन है, दस नाइट्रोजन है, दस नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, चार्ज बैलेंस नहीं होगा, वो अगले स्टेप में बैलेंस होता है. तो यहाँ अगर हम देख लें, यहाँ हमारे पास 30 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ अगर हम देख लें 20 प्लस 8, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 28 ऑक्सीजन. अगेन मैंने कुछ बताया नहीं, तो एसिडिक मीडियम अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ हमको दो ऑक्सीजन चाहिए, सो ट्वाइस ऑफ H2O. तो उस चक्कर में मैंने चार हाइड्रोजन ऐड कर दिए, और हाइड्रोजन तो यहाँ कहीं है नहीं, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 4H+. तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस है, एटम्स तो हमने गिनी लिए थे बैलेंस है, ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया. अब चार्ज देख लेते हैं, दैट्स द ओनली थिंग दैट कुड गो राउंड दैट कुड गो रॉन्ग हेयर. तो यहाँ चार्ज कितना है, प्लस 4 माइनस 10 वो हो गया माइनस 6, और यहाँ चार्ज कितना है, सब कुछ न्यूट्रल है, बस यहाँ 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6. ठीक है, सो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो अभी तक हमने देखा रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस को, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वी कैन बैलेंस दिस बाय इक्वेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली. ओनली थिंग दैट आई हैव नॉट टोल्ड यू सो फार इज बैलेंसिंग रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम. मतलब एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, तरीका तो सेम है बैलेंस करने का, ओनली वाटर एंड हाइड्रोजन में फर्क आ जाता है. तो मैंने आपको जान के नहीं बताया अभी तक, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का एक ट्रिक होता है जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देख लेंगे. तो अभी तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. सो दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट विच विल हेल्प यू इन बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस विच इज वेरी क्रिटिकल टू द नेक्स्ट स्टेप. नो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज स्टोशियोमेट्रिक क्वेश्चंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस, कि अगर इसके 10 मोल है तो इसके कितने मोल होंगे. तो वो तो हमको पता है स्टोशियोमेट्री से ही करते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. तो जब तक हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे वैसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम एक तो ये देखेंगे कि बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है, और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि स्टोशियोमेट्री के सवाल कैसे करना है. सो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू.